मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की फिल्म जबरिया जोड़ी का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तभी से सुर्खियों में छाया हुआ है। फिल्म का ट्रेलर कॉमेडी से भरपूर है, साथ ही फिल्म में कई सारे कॉमेडियन भी नजर आए हैं जिनमें जावेद जाफरी, संजय मिश्रा और अपार शक्ति जैसे स्टार्स के नाम शामिल हैं। वहीं फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इस फिल्म के डायलॉग काफी पसंद किए जा रहे हैं। तो चलिए इंतजार किस बात का, दिखाते हैं आपको फिल्म जबरिया जोड़ी के मजेदार डायलॉग। बिहार में तीन तरह से जोड़ियां बनाई जाती हैं बाबू, हिम्मत वालों की अरेंज जोड़ी, किस्मत वालों की लव जोड़ी और दहेज वालों की जबरिया जोड़ी। बारात में नाचना है, बार में नहीं। रुकावट के लिए खेद है, तुम्हारा किडनैप प्रीपेड है। हम पुलिस वाले साड़ी में फॉल्पी को लगाने बैठे हैं। शादी में दिक्कत तो आएगी ही, कोई ना की कहीं ना कहीं से हम करा ही देंगे कहीं। रिश्ता करवा रहे हैं कि रिक्शा करवा रहे हैं हमारा? हमारा फोकस बिस्तर से ज्यादा कुर्सी पे है। हम शादी भी कराते हैं और शराब भी। हम इस अभय सिंह को उठाएंगे और इसके साथ जबरिया शादी करेंगे। तो ये थे फिल्म जबरिया जोड़ी के वो फनी डायलॉग जिन्हें सुनकर यकीनन आपको भी बहुत मजा आया होगा। बता दें कि ये फिल्म पकड़वा शादी पर बेस्ड है। एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में बनी इस फिल्म को प्रशांत सिंह ने डायरेक्ट किया है। वैसे आपको इस फिल्म के डायलॉग्स कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे जोक्स आने वाले हैं गाइस, प्लीज बी प्रिपेयर्ड, ये होने वाला है बहुत। सर इनका माइक ऑफ कर। सिद्धार्थ परिणीति, आप सभी का जावेद एंड चंदन कमाल का देसी स्वैग दिखा है जबरिया जोड़ी में। कुडोस टू टीम, डायरेक्टर को भी कि वो कमाल की चीजें जो आप लोगों ने सोचा था वो उभर के निकल कर आया ट्रेलर में। कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं सेलेब्स के साथ जहां पर फैंस जबरिया जोड़ी या जबरिया गले पड़ने की कोशिश करते हैं, कोई फनी इंसिडेंट आपको याद है क्या? यार हमारे कितने सारे फैंस यहीं पे हैं, बड़े प्यार से हैं। स्वीट, दैट्स सो स्वीट। उन्होंने कभी कोई जबरिया हमारे साथ कुछ भी नहीं किया, आप पूछ सकते हैं उनसे। दे जस्ट वांट यू टू टेक द नेम ऑफ द क्लब आई थिंक। हां ना, सिट स्क्वाड इज राइट हियर। मुझे ऐसे कोई इंसिडेंट याद नहीं, मुझे बस एक ही बार किसी फैन ने गिफ्ट किया था एक पिलो जो मेरे कोरियर मेल में आया घर पे, पर उस सिर्फ एक बड़ा प्लेन सा पिलो था और उसमें एक चिट्ठी थी, और पिलो के चिट्ठी जब मैंने पढ़ी तो बोला कि ये पिलो मैं इस्तेमाल करती हूँ, रोज रात को सोती हूँ इस पे। और मेरे पास प्रूफ भी है, एक अपना बाल छोड़ के, एक बाल छोड़ के दिया है मैंने इसमें, तो मैंने चेक भी किया, एक बाल भी है। तो वो चाहती थी मैं उसी पिलो पे सोऊं कि लगे कि हम एक ही बिस्तर पे सो रहे तो बाल बच गए वही मैंने कहा। जावेद सर, आई हैव गॉट अ बेटर वन। तो यही हुआ भाई, इकबाल ने तो नहीं भेजा था वो? ऐसा ह्यूमर हमारी फिल्म में नहीं है गाइस, इससे बेटर आपको गलत इंप्रेशन ना मिले गाइस, यू आर नॉट प्रमोटिंग द फिल्म वेल। जरा दो पंचेस बोलो। सॉरी भाई। भरी आपके साथ कभी कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ? एक्चुअली मेरे साथ कभी कभी थोड़ा स्कैरी होता है बिकॉज थैंकफुली मेनी गर्ल्स आर ऑल्सो माई फैंस अपार्ट फ्रॉम बॉयज, बट समटाइम्स देर हैव बीन फैंस जो मेरे बिल्डिंग के नीचे या मेरे घर के बाहर तीन तीन दिन उन्होंने वहीं पे रहे हैं और वहीं पे वो लोग सोए हैं और हमको पता नहीं चला था। एंड आफ्टर थ्री डेज वी केम टू नो दैट देर वॉज दिस गर्ल हु वाज स्लीपिंग डाउनस्टेयर्स इन द पार्किंग ऑफ माई बिल्डिंग एंड आई डिडंट नो दैट। एंड देन फाइनली आई वेंट टू हर एंड शी वॉज अ वेरी वेरी यंग गर्ल एक्चुअली, आई थिंक शी वॉज 15-16 मे बी। एंड सच थिंग्स आर काइंड ऑफ लाइक they are heartwarming because it's only because of love, but it's very scary also that you know she hadn't told at home where she was going, she had lied at home. So I just urge fans that show us love and we will hear you, but please don't do these scary things. And being a Punjabi munda and hot Punjabi kudi, Bhojpuri swag, Bhojpuri dialect sikhne mein kitni preparation karni padi? Well, hum dono ne bahut mehnat kari yaar, picture se pehle 1.5-2 mahine hum log sab workshops karte the। जैसा कि कहा ये हिंदी पिक्चर है तो हमने इसमें पटना की हिंदी बोली है ताकि पैन इंडिया लोगों को समझ आए। एंड एक्चुअली प्रशांत खुद बिहार से है, पटनिया, सो हमारे पास बहुत ही एक कन्वीनियंट ट्यूटर था। बट पूरी टीम, अजय जी भी यहाँ पे है, उन्होंने बहुत मदद करी हमारी। बाकी हमारे राज डायलॉग सबने जो इसका एक फ्लेवर निचोड़ निकाला है, आई थिंक ये पैन इंडिया सबको समझ आएगा और
मुझे बहुत मजा आया पर्सनली एक्चुअली. आई थिंक मैंने ऐसी ऐसा लहजा ऐसी दुनिया पहले कभी नहीं करी, चाहे वो स्टाइलिंग हो या लुक हो या ऐसे सीन्स हो. तो पर्सनली आई रियली एंजॉयड वर्किंग ऑन दिस कैरेक्टर. बहुत मेहनत करी हम दोनों ने, बाकी पूरी टीम ने एक्चुअली यहाँ पे जो हमने शूटिंग करी इसको एक नई मज़ेदार लव स्टोरी बनाने के लिए जो रेलिवेंट भी है बट एक फैंटेसी वर्ल्ड में भी है. तो आई थिंक हमें तो बड़ा मजा आया. होपफुली कभी कभी हंसी भी आती थी क्योंकि हम लोग सीन में एक दूसरे से उस लैंग्वेज में बात कर रहे होते थे कि जो भी है हम तुम्हारा जबर या शादी करवाएंगे. एंड देन कट होता था एंड वी यूज्ड टू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश. शुड वी ट्राई दिस इन द सीन. इट वाज क्वाइट लाइक डबल रोल दैट वी वर प्लेइंग बट दैट आई थिंक दैट वाज द फन ऑफ इट. वी रियली वांटेड टू ब्रेक व्हाटएवर काइंड ऑफ इमेज व्हाटएवर इट इज. वी वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू. बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लैंग्वेज समझ नहीं आएगी बिकॉज वी वांटेड टू कीप इट फॉर ऑल ऑफ इंडिया. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So you'll still understand everything. Sid and Pari, this side. First of all, the trailer is really, really, really good. Thank you. It's funny. But I want to know that, you know, when, if you ask any of your fans, individually also, Hasi Toh Fasi is one of the films that they have loved watching you guys individually in. It was a very quirky kind of rom-com and it had a lot of comedy. This is exactly opposite to that. This is very masi, masala. In one of my interviews, actually the last one, Sid had said that he has a different fire in his belly right now. Do you think this has come at the right time for both of you? Because these kind of films are something that, you know, people go crazy about. Yeah. He's saying, is it the right time for both of us to think about the film? Is it the right time? I think challenge is something that to make a role which is new, to create something from scratch, which I don't think people have seen us do before, whether it's the language, lehza, whether jo uske kapde ho. So definitely, I think both of us, hum log ne itna kaam kar liya abhi, ki different characters, different dunya. Aur aap jante hai ki aisi kya cheeze jo aap se log expect nahi kar rahe. To Jabariya Jodi, I think hum dono ki taraf se wahi attempt hai, ki log hame is dunya mein, इस लहजे में शायद यू नो एक्सपेक्ट ना करे और वहाँ पे टू गिव देम अ लव स्टोरी व्हिच इज सो मच फन, इतनी मस्ती एंड मेक देम लाफ एंड फॉल इन लव. एक्चुअली द ट्रिविया इज दैट दिस फायर इन माय बेली आल्सो व्हिच इज देयर टुडे टू लाइक रियली वर्क हार्ड एंड रियली डू माय बेस्ट एट एवरीथिंग एक्चुअली केम फ्रॉम सिड. वियर्डली आई रिमेंबर वंस, सुन तो लो, उसी में खुश हो वेरी गुड. So actually as a friend, like he's been an amazing friend because I remember once like I was feeling really down and I went to Sid's house. I remember in the night we met and we like hung out for hours and I think both of us were kind of in a similar space in our lives and we really spoke our hearts out and somehow I came out of that, I'm calling it a meeting for the lack of a better word, but I came out of that session really charged. And like whenever I'm feeling doubtful or whatever, I always think of what he said. That'll be between me and him, but I always think of that. So this fire in the belly honestly is the best thing that happened to, I guess, both of us or whoever else has it, that it really makes you want to be 100% every day. Otherwise, actors can be very disconnected. You can go on set, shoot and forget about it and do something else in your life and not really care about what will happen with the film or whatever. Some people can be disconnected, but I think that want of making it the best, I think it's very important. And both of us like never had to convince each other ki come on, like do better or do more. That was amazing, like in this film. नहीं offer नहीं हुए थे. एक film मैंने की थी Looked, but that was a different kind of film. But this is a proper mainstream commercial film with a mainstream commercial hero. And जब मुझे approach किया गया, I had no qualms, right? I said I have to move ahead and I have to move on and get a range to play. So for mere liye kya hai ki mujhe as an actor kitna meat milta hai kaun sa role karne mein. So whether I'm playing a 40 something or a 50 something, I have no problem with that because as long as aapke role mein dam hai aur karne ke liye kuch hai with good actor with a good team. Hame inko age karne mein bahut mushkil hui. Aap dekh rahe hain inke six packs ke andar ab mere se compete karte the gym mein. So bahut mushkil hui inko mere father dikhane mein. Sorry, but that's the exact. My aap kahenge inspiration संजीव कुमार साहब. बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बाप के रोल करना शुरू कर दिए थे आपने. सो आई थिंक फॉर मी दैट्स इन अ वे एन इंस्पिरेशन कि इट डजंट मैटर कि आपकी उम्र क्या है, अगर रोल में दम है एंड यू कैन प्ले इट विद कन्विक्शन, आई थिंक दैट इज एनफ.
आनंद चंदन सा बदन आनंद यार ठीक है ये मेरे साथ अक्सर होता है नाम और चेहरे में छुपा रहता हूँ मैं हाँ तो क्या पूछा था आपने